बीबीएन क्षेत्र एक अग्रसर इंडस्ट्रियल यूनिट है, जिसकी ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान है। और समय समय पे यहाँ पे उद्योगी, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबरर्स और आसपास के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, व्यवसाय के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आते रहते हैं। बट कई बारी उसमें कुछ शरारती तत्व भी आ जाते हैं। अभी इसका घटनाक्रम सामने आया नालागढ़ में 10 तारीख को, जब जलंधर से कुछ दो युवक और उन्हीं के कोई नोन तीन युवकों ने उनके ऊपर अटैक किया एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम्स कम टू इंजरीज। मैं इसमें बताना चाहूँगा, हमारी तीन टीम्स इसमें काम कर रही थी और कल शाम को उन तीनों युवकों को हिमाचल पुलिस की टीम ने अमृतसर पुलिस की टीम के साथ अमृतसर से, हरमंदर साहब के पास से नैप कर लिया है। गौरव गिल, इंद्रजीत उर्फ इंदा, आकाश दर्फ उर्फ बिल्ला, ये शाहपुर जलंधर के रहने वाले हैं और जो डिसीज्ड हैं उनके नोन थे, उनके साथ स्कूल में पढ़े थे, अच्छी मित्रता थी, आना जाना था। बट पिछली जून को जब ये कुल्लू मनाली गए 21 या 23 के आसपास, इनका कुछ पैसे को लेकर विवाद हुआ, वो लंबा चलता रहा और 10 तारीख को गौरव गिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया और डिसीज कम टू द इंजरीज। क्या पहलू रहे, किस बात पे दुश्मनी इतनी बड़ी, क्या प्लानिंग थी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इसमें प्रमुखता तीन टीम्स ने काम किया, डीएसपी साहब नालागढ़, डीएसपी एलआर साहब, एसएचओ साहब और ऊपर से सबको सुपरवाइज किया स्पेशल टीम के साथ एडिशनल एसपी साहब ने। इसमें हमें टेलीकॉम कंपनीज का भी बहुत सहयोग मिला, टेक्निकल टीम का भी बहुत सहयोग मिला और सीसीटीवी टीम का भी सहयोग मिला। एक बात मैं रखना चाहूँगा सामने, जब ये 10 तारीख को ब्लाइंड मर्डर केस था तो एक हिमाचल की बेटी देर शाम को उन्होंने पुलिस को सहयोग किया, अपने पिताजी के साथ आई और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिससे इस केस में एक मेन ब्रेक थ्रू मिला, जो आज इंसाफ हम तीनों लड़कों को पकड़ने में कामयाब रहे। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि बीबीएन क्षेत्र में हम सीसीटीवी को पेनिट्रेशन और बढ़ा रहे हैं। नालागढ़ को तो पिछली तिमाही में बेस्ट पुलिस स्टेशन का स्टेट में अवार्ड भी मिला, 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर एक ब्लाइंड केस को सॉल्व किया। बीबीएन के लिए, बीबीएन पुलिस के लिए हमारे सिटीजन सबसे फर्स्ट हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट है। हम इस नारे के साथ कायम रहेंगे एंड मैसेज लाउड एंड क्लियर है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके टीम्स की प्रॉपर टेक्निकल टीम्स की मदद, उनका एक्सपर्टाइज ओवर द ईयर्स, इनकी नॉलेज का उपयोग करके एसआईयू, सीसीटीवी, साइबर, Alpha 5 को यूज़ करके हम इसको सेफ एंड सिक्योर एरिया बनाएंगे और अपराधी कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में छुप जाए, हिमाचल पुलिस, बीबीएन पुलिस उनको नहीं भूलेगी। उनके क्या क्राइम रिकॉर्ड्स हैं? सी, उनके क्राइम रिकॉर्ड्स हमने ले लिए हैं। इसमें एक आरोपी के ऊपर दो FIRs, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की है और एक के ऊपर 307 का पर्चा दर्ज है पंजाब में, कपूरथला में। एक इसमें से भगोड़ा है पंजाब पुलिस का, शायद पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, हमारी टीम उसको पकड़ने में कामयाब रही। अब हम उसको जुडिशियल भेजेंगे, उसके बाद पंजाब पुलिस को हमने इतला कर दी है, उनकी टीम भी अकॉर्डिंगली एज पर लॉ कार्रवाई इसमें करेगी। मैं सिटीजन्स को फिर आग्रह करना चाहूँगा, ये क्लासिक केस है जहाँ पे पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप सामने आई, एक गुमनाम हीरो जो हमारी हिमाचल की बेटी है वो सामने आई और उसने केस क्रैक करने में, न्याय दिलवाने में हमारी मदद की। लड़के नैब्ड हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इस मौके पे मैं इतना ही बताना चाहूंगा, आपके साथ हम समय समय पे डिटेल शेयर कर लेंगे। हाँ जी, लड़के कल रात को ही लेकर आए हैं, हमने नैब कर लिए एज पर जो हमें अभिन का रिमांड लेके जो भी वेपन यूज है हम इनको रिकवर कर लें। आरोपी तीन है और अगर इनके साथ जो मदद की है एक और लड़का है, अगर और भी सामने आया किसी ने इसको हार्बर किया हो, कोई प्लानिंग में सामने आया हो, तो बद्दी पुलिस, हिमाचल पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। जो बाइक जो इन्होंने क्राइम में यूज़ की, वो भी वेपन ऑफ क्राइम है, वो हमने हिमाचल हरमंदर साहब अमृतसर से वो भी हमने अपने कब्जे में ले ली। अभी 3 मेन एक्यूज हैं और एक हिरासत में जिन्होंने इनकी हेल्प की।